हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रिया शर्मा और स्वागत है आपका हमारे नव भारती परिवार में। हम पढ़ रहे हैं 11th की केमिस्ट्री। चैप्टर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, हम पढ़ चुके हैं साइंटिफिक नोटेशन, हमने कर लिया है मैटर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, और साथ ही साथ हमने पढ़ा है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सारे 5 जो लॉज थे इसके अंदर वो हम सब पढ़ चुके हैं। अब हम आज पढ़ेंगे डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या कहा डेल्टन ने अपनी थ्योरी में, और ऑफ कोर्स ये बात है इसका नेम है एटॉमिक थ्योरी, तो मतलब ये थ्योरी रिलेटेड है एटम से, थ्योरी रिलेटेड है एटम से। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन क्या क्या उसने पॉइंट्स देखे, क्या क्या उसने पॉइंट बोले। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है, मैटर कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मतलब कि जो मैटर होता है वो कंसिस्ट करता है सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम। अब देखिए उसने कैसे पता लगाया बेसिकली कि एटम जो है इंडिविजिबल पार्टिकल है। बेसिकली डेल्टन ने सिर्फ एक ही बात बोली कि आप कोई भी मैटर लीजिए, उसे तोड़ते रहिए तोड़ते रहिए। जब एक सिचुएशन ऐसी आ जाए ना कि इसके बाद हम उसे नहीं तोड़ सकते, या इसके बाद हम जो है उसकी बारीकी कम नहीं कर सकते, तो वो पॉइंट पे उसे हम एटम बोलेंगे, जो कि फर्दर इंडिविजिबल है, जिसको हम आगे नहीं तोड़ सकते, नहीं जो है भागों में बांट सकते। तो पहला पॉइंट समझ में आया, मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। सबसे छोटा पार्टिकल जो कि इंडिविजिबल है वो है एटम, किसके अकॉर्डिंग, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे पॉइंट की बात करें तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम। क्या बात कही इसने कि जो एक एलिमेंट है, सेम एलिमेंट के एटम्स सेम ही होंगे। अब जैसे कि एग्जांपल लीजिए, मैंने लिया एग्जांपल गोल्ड का, ठीक है। आपने दो जगह से गोल्ड ले लिए सपोज टू बी, ठीक है ना। तो इसके गोल्ड के, इस जो गोल्ड है एलिमेंट है, दो गोल्ड लिया आपने अलग अलग, इसका एटम, इस गोल्ड का एटम और इस गोल्ड का एटम, दोनों जो है सेम ही होंगे। तो यही इसने बोला, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम। गोल्ड का जो एलिमेंट, जो गोल्ड एक एलिमेंट है, उसके एटम्स जो है सेम ही होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट और जो है मतलब एटम्स जो होंगे वो सेम होंगे, ऐसा कुछ नहीं। सेम एलिमेंट है तो एटम्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया गोल्ड का। थर्ड पॉइंट में चलते हैं, लिखा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। मतलब कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम भी डिफरेंट होंगे। इससे पहले हमने पॉइंट पढ़ा कि जो सेम एलिमेंट होंगे उसके एटम भी सेम होंगे, मैंने आपको एग्जांपल भी बताया। थर्ड कह रहा है अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो उसके एटम्स भी डिफरेंट होंगे, यानी एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल मुझे आप एक बात बताइए, यहां पर आप वही कॉपर ले रहे हो एक तो, ठीक है, और एक आप ले रहे हो सिल्वर, सीयू और एजी। कॉपर और सिल्वर ये दो अलग अलग एलिमेंट है, तो अलग अलग एलिमेंट से तो इनके एटम्स भी तो अलग अलग होंगे, सिमिलर थोड़ी ना होंगे। तो यही बात किसने बोली, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में निकल के आती है बात कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। अब हम पढ़ते हैं इसका फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इसने क्या कहा है, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड कब बनता है, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में बताया गया है कि कंपाउंड तब बनता है जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो आपस में फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। जैसे कि बात करें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन भी अलग है ऑक्सीजन भी अलग एलिमेंट है, दोनों के एटम्स कंबाइन हुए, यहां पर एक कार्बन और दो ऑक्सीजन से क्या मिलकर बन गया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो यही बात कहना चाह रहा है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कंपाउंड बनते हैं कब, जब एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन होते हैं किसी फिक्स रेशियो में। फिक्स है इनका रेशियो कि कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन दो ऑक्सीजन होगा। बात करें H2O की, तो देखिए बात करें अगर H2O की, वॉटर, इसमें फिक्स है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम मिलकर ही जो है कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, H2O। फिक्स है कि जो हाइड्रोजन होगा वो दो होगा यानी 2 होगा और ऑक्सीजन होगा वो एक होगा, इनका रेशियो फिक्स है। तो यही बात जो है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में कही गई। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे की जो थ्योरी है इसने और क्या थ्योरी दी है। ये चार ही नहीं है, इसके अलावा और भी चीजें हैं,
चलिए पढ़ते हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं। देखो फिफ्थ थ्योरी क्या कही गई कि एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या बोला? एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आगे मैं ज्वाइन कर सकती हूं इन अ केमिकल रिएक्शन। देखो जब भी हम केमिकल रिएक्शन, बेसिकली क्या होता है, देखो सपोज करो कार्बन है, ऑक्सीजन है, क्या मिलकर बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। या मैं एक काम कर लेती हूं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, और क्या मिलकर बना रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए क्या बोला है इसके फिफ्थ पॉइंट ने कि जो एटम होता है ना, हम जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे होते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है कि कोई एटम क्रिएट हो जाता है या कोई एटम जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। एटम ना तो कभी क्रिएट हो सकता है ना ही कभी डिस्ट्रॉय हो सकता है, अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो भी। कैसे कि सपोज करिए आप कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा रहे हो, क्या मिलकर आ रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन और ऑक्साइड ही मिलकर आ रहा है। ऐसा नहीं कि यहां पर कोई प्रोडक्ट में कुछ अलग सा कुछ जनरेट हो गया हो, नहीं, यहां पर कार्बन था तो इधर कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है तो इधर ऑक्सीजन है। ऐसा नहीं है कि यहां पर कुछ अलग ही मिल रहा हो अपन को, एटम्स वही मिलेंगे, मतलब इधर भी एटम्स जो है वो सेम होंगे और इधर के भी एटम्स जो है वो सेम होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर यहां पर तो नाइट्रोजन था ही नहीं और अचानक से यहां पर कहीं नाइट्रोजन ऐड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसने यही बोला है कि एटम ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है। केमिकल रिएक्शन में बस ये होता है कि उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि भाई इनका रीअरेंजमेंट हुआ है। क्या हुआ है? रीअरेंजमेंट हुआ है इनका। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई कोई अलग सा ही जो है एटम आ जाएगा, है ना, किसी अलग एलिमेंट का। तो ये जो है इसका फिफ्थ पॉइंट था। चलिए अब बात करेंगे इसके बाद में सिक्स्थ पॉइंट पे। आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा। तो देखिए जैसा कि फिफ्थ पॉइंट हमारा था कि एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, तो आगे इसी बात को ले जाते हुए मैं आपको बताती हूँ कि जो केमिकल रिएक्शन होता है इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। मतलब कि केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एटम्स का रीऑर्गेनाइज होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो अगर बेसिकली केमिकल रिएक्शन में क्या हो सकता है, जब अगर कोई भी एलिमेंट के एटम्स है वो कंबाइन हो रहे हैं तो क्या हो सकता है, या तो वो सेपरेट हो सकते हैं, या तो वो क्या हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, या वो कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है, या फिर उनका क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट, क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट, सेपरेट हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं, या फिर रीअरेंज हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या फिर कोई नया कोई क्रिएट हो जाएगा। यही मैंने आपको फिफ्थ वाले पॉइंट पे बताया था, तो यही बात जो है मैंने आगे ले जाते हुए आपको और समझाई है। दूसरा जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी है, इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को भी, कि कैसे कोई एटम्स हैं, कोई पर्टिकुलर जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होके कैसे कंपाउंड बनाते हैं और किस तरीके से कंपाउंड बनाते हैं, वो सारे लॉज मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूं। तो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ने भी जो है इस जो अपने लॉज है केमिकल कॉम्बिनेशन को, इसको एक्सप्लेन किया था। तो ये सारे के सारे जो हमने आज चीजें पढ़ी है वो है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन के जो थ्योरी है उसके डीमेरिट्स भी जो है कुछ साइंटिस्ट ने बताए हैं, क्योंकि उस टाइम साइंटिस्ट जो है बाकी साइंटिस्ट भी सर्च कर रहे थे इसी रिलेटेड, एटम के ही रिलेटेड सर्च कर रहे थे। तो जब डेल्टन ने अपनी थ्योरी दी तो उसके बाद काफी सारे साइंटिस्ट खड़े हो गए जिन्होंने इनको चुनौतियां दी और काफी सारी बातें बताई कि भाई ये चीजें जो है डेल्टन ने सही नहीं कही है। तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। इस चैप्टर में हमें सिर्फ डेल्टन की जो एटोमिक थ्योरी है उसे ही पढ़ना है। जब सेकंड चैप्टर आएगा तब आपको दोबारा डेल्टन एटॉमिक थ्योरी बताई जाएगी, उसकी डीमेरिट्स बताई जाएगी, और फिर हम पढ़ाएंगे आपको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। अभी फर्स्ट चैप्टर के लिए सिर्फ इतना ही है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी।